हाय गेज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। 5 बज चुका है, मैं अभी उठा हूँ, फ्रेश होना पड़ेगा। पानी तो थोड़ा सा है, इसमें से काम चलाना पड़ेगा। अभी मैं फ्रेश हो गया, पीनट भिगाया था ना, उसको खा लूँगा अभी। ऐसे खड़े खड़े खाना पड़ता है, बैठने के लिए भी टाइम नहीं है अभी। देखो सबसे पहले इधर भी एक आदमी सोया है। प्लेट धोने के लिए भी पानी नहीं है, पानी की दिक्कत की वजह से सब चीज़ हमेशा पड़ा रहता है। कैसे भी कैसे करके एडजस्ट करके जो भी मेरा काम तमाम किया है। अभी देखो कुछ भी पानी नहीं है, थोड़ा पानी था वो मैं यूज कर लिया। 6:12 हो गया अभी, मुझे खाने के लिए 12 मिनट लग गया। पहले देख लेंगे सारे चीज बराबर है या नहीं, क्योंकि एक बार ड्यूटी में जाने के बाद अगर कुछ भूल गया तो फिर माफ नहीं। चलो सब कुछ तो बराबर है, लाइट ऑन कर देंगे। आज 12 मिनट लेट है, उजाला भी हो गया है। बेंगलोर लाइफ में कुछ सीखो या ना सीखो, लेकिन टाइम मैनेजमेंट बराबर आ जाता है, समय के साथ पूरा चेंज हो जाता है पूरा। ये लग रहा है डे शिफ्ट में सूरज की धूप मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सुबह सुबह हम चला जाते हैं, रात को 7:30 बजे निकलते हैं। सप्लाई गाड़ी है ना, ये गाड़ी को थोड़ा देख के संभाल, बहुत डेंजर रहते हैं वो लोग, पूरा रस में रहते हैं, उनका टारगेट रहता है ना कि कई इंसिडेंट देखा हूँ। ये वाटर सप्लाई गाड़ी की वजह से बहुत ही इंसिडेंट हुआ है। अभी मेन रोड आ गया है, यहाँ तो कैमरा ऑफ करना पड़ेगा, यहाँ से कैमरा इतना ट्रैफिक है। तो भाई मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, पर यहाँ से आगे नहीं बना सकता हूँ, शाम को 7:30 बजे निकलेगा। भाई कंपनी से तो निकल गया मैं, अभी छुट्टी हो गया, लेकिन कितना बारिश हो रहा है देखो, बहुत बारिश है, मैं भी तो पूरा भीग गया है, कैसे भी रूम जाना पड़ेगा, चलिए आगे देखते हैं। भाई देखो बारिश कैसा है और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, मैं तो पूरा भीग गया हूँ, पूरा भीग चुका हूँ पूरा, देखो बारिश हो रहा है, अभी भी बहुत दूर जाना है मुझे, देखो कितना ट्रैफिक, पूरा जाम है आगे तक। आपको भीगना ही पड़ेगा, इसको बैग में रख देते हैं, पर्स वगैरह सब बैग में रख देंगे। देखो भाई मैं कैसा भीग गया हूँ, कितना बारिश है, बहुत बारिश भाई, ट्रैफिक भी बहुत है। चलो पहुंच गया, अभी फ्रेश हो जाएंगे, आके फिर सब कुछ तैयारी होके खाना पीना खा के सो के फिर सुबह के लिए तैयार होना पड़ता है। अगर उधर लेट हो जाएगा तो इधर भी सोने में लेट हो जाएगा, इसलिए जो भी हो ऐसे आना पड़ता है। ये सब देखो, ये सब टाइम पास कर रहे हैं। तो भाई मैं अभी फ्रेश हो गया, खाना खाएंगे, बारिश अभी भी चल रहा है बाहर, बारिश तो अभी भी चल रहा है, अच्छा से जाना मारो इधर, पूरा पैर में लग रहा है बालू। चलो सब रेडी ना, तू कौन रखा हुआ? चलो भाई खाना तो पहले से बनाया हुआ था, बस खाना है, इतना ही अच्छा लग रहा है इधर। भाई बारिश जोरदार से हो रहा है, बहुत जोरदार बारिश हो रहा है भाई। कल सुबह कैसे ड्यूटी जाऊंगा मैं, ड्यूटी अगर बस में जाऊंगा तो पैसा नहीं है पास में, रुकड़ा चाहिए। जटी पाकर चाहिए कौन पचरिया? हाँ कोक्का बनाने आ गया, देखेंगे और दो आदमी आएंगे, उनको पूछेंगे, अगर रुकड़ा होगा तो कल सुबह के लिए प्लान करेंगे। बस में जाएगा तो छतरी लेकर हम जा सकते हैं, साइकिल में जाएगा तो छतरी कैसे पकड़ेंगे। चलो आज बढ़िया आइटम हुआ है, चावल, ये सब्जी, दाल भी हुआ है।
चलो बस हो गया। बारिश होता तो थोड़ा टेंशन होता है, आने का टाइम कुछ टेंशन नहीं है क्योंकि भीगेगा तो चलेगा, जाने का टाइम अगर भीग जाओगे तो नहीं होता है, इसलिए जाने का टाइम थोड़ा देख के जाना पड़ता है। बारिश अगर लगा रहेगा तो देखेंगे क्या प्लान है। इधर सोने के लिए सब अरेंज हो रहा है, वहाँ दो आदमी सोते हैं ना, वहाँ तो खाना पाना सब रहता है तो वहाँ सब निकालना पड़ रहा है रात को, डेली रात को ऐसे ही होता है। वहाँ फिर साफ करके फिर वहाँ बिछा के सो जाएंगे। चलो अभी मेरा खाना हो गया, अभी लास्ट मोटर आ गया है। पीनट भिगा दिया, एक्चुअली सुबह खाने से बहुत बढ़िया लगता है। चलो हो गया, बारिश बहुत जोरदार से हो रहा है यार, और जोर बढ़ गया बारिश, क्या बारिश हो रहा है यार, अभी सुबह तक छोड़ेगा या नहीं। सो गया ये, सब रेडी हो गए सोने के लिए, अभी मैं भी सोने के लिए जाऊंगा। छतरी छतरी लेके जाना है ना, कहाँ है छतरी? इधर तो नहीं है, इधर था। छतरी कौन जाएगा, फिर सुबह प्रॉब्लम होगा, फिर इधर तो भी नहीं है बाहर। कक्का आएगा तो कक्का को पूछेंगे, वो लिया था छतरी, किधर है छतरी को, चलो आएगा तो पूछेंगे, सुबह तक टाइम ही नहीं।